हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस सीज़न में आज मैं फिर से एक बार व्रत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी इस तरह से बनाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और एकदम खिली खिली बनेगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए साबूदाना खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना को 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगने के बाद 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और इस छलनी में 10 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे जो भी इसमें बचा हुआ पानी है वो निकल जाएगा। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से ही साबूदाना खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। तो देखिए, है ना एकदम मोती जैसे दाने। भीगने के बाद 3 से 4 बार धोने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है, जिससे खिचड़ी बनाते टाइम बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने डाल देंगे। मूंगफली के दानों को लगातार 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। ये मूंगफली बहुत ही जल्दी सिक जाती है, इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। देखिए, 1 से 2 मिनट बाद मूंगफली बीच में से फटने लगी है, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी बचे हुए तेल में जीरा डाल देंगे। जीरा फ्राई हो गया है तो इसमें मैं एक आलू को इस तरह से पतली स्लाइसेस में काट के डाल दूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक डालने से आलू में नमक का टेस्ट तो आता ही है, साथ ही जल्दी कुक भी हो जाते हैं। तो नमक और आलू को मिला लेंगे और इसे ढक के 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। 1 मिनट बाद चेक करेंगे कि आलू पक गए हैं या नहीं। इस तरह से एक आलू को तोड़ेंगे, देखिए आलू अभी टूट नहीं रहा है, तो फिर से ढक के 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। चेक कर लेते हैं, देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है। और इस तरह से एक आलू को तोड़ के देखेंगे, देखिए ये आराम से टूट रहा है। तो ये आलू अच्छे से कुक हो गए हैं। तो मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक काट के ले लिया है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसमें हरी मिर्ची और आलू फ्राई होने के बाद इसमें साबूदाना डाल देंगे, साथ ही में इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ सेंधा नमक डाल दिया है, ध्यान रखें सेंधा नमक मैंने पहले भी डाला था, और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। देखिए साबूदाना कितना खिला खिला दिख रहा है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। अब मैंने इस साबूदाने को 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था, देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैं नींबू का रस डाल दूंगी, ये जो मूंगफली के दाने फ्राई किए थे ये डाल देंगे, और धनिया पत्ता डाल देंगे, और सारी चीज़ों को मिला लेंगे। बस इससे ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। देखिए है ना बिल्कुल एकदम खिली खिली। तो साबूदाना खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनी है। आप इसी स्टेप से साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ध्यान रखिए, भीगने के बाद इसे 3 से 4 बार अच्छे से ज़रूर धोइए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इस नवरात्रि सीज़न को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।